मध्य प्रदेश यानी यूपी के शहरी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए बुधवार को सुबह 7 बजे से वोट डाले गए, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद सीएम ने कहा कि विपक्ष किसी भी कीमत पर नहीं जीत पाएगा, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। पहले चरण में राज्य के 24 जिलों में मतदान किया गया। निकाय चुनाव में पार्षदों के अलावा मेयर के भी चुनाव हुए। कानपुर के मनीराम बगिया के वार्ड नंबर 104 के 3 बूथों पर ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के चलते वोटिंग कुछ देर के लिए रोकी गई, लेकिन बाद में वोटिंग दोबारा शुरू करवाया गया। यूपी के बलिया में मंगलवार को सीएम योगी पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में सुरक्षा को देखते हुए एक मुस्लिम महिला समर्थक शायरा बानो का पुलिस ने बुर्का उतरवा दिया। महिला ने कहा, मैं सीएम योगी की समर्थक हूं। यहां रैली में उनको सुनने आई थी। हमारे लिबास का रंग काला था, इसलिए पुलिस आई और सुरक्षा की बात कहकर बुर्का को उतरवा दिया। गुजरात चुनाव में अहम किरदार निभा रहे हार्दिक पटेल ने आरक्षण पर कांग्रेस के फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया है। हार्दिक के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने के बाद आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। हार्दिक ने कहा कि मुझे कांग्रेस का एजेंट कहा जाता है, लेकिन मैं कांग्रेस का नहीं, जनता का एजेंट हूँ। हार्दिक के ऐलान और नितिन पटेल के सवाल पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, हमने सुझाव दिया है। जब हम किसी को सुझाव देते हैं तो सोच समझ कर ही देते हैं। जो बातें उन्होंने हमारे सामने रखी थी उसी के आधार पर हमने अपना सुझाव दिया है। बीजेपी सांसद और एक्टर परेश रावल ने नरेंद्र मोदी को लेकर किया ट्वीट डिलीट कर दिया है। परेश ने 21 नवंबर को अपने ट्वीट में लिखा था, हमारा चाय वाला किसी भी दिन तुम्हारे बार वाले से बेहतर है। यूथ कांग्रेस की ऑनलाइन मैगजीन युवा देश में मोदी का अपमानजनक मेमो ट्वीट किया गया था, जिसमें मोदी को डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश पीएम थेरेसा के साथ बातचीत को दिखाया गया। बाद में ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। इस पर गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने राहुल गांधी से जवाब मांगा था। बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद पर जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा हुआ है। इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जांच एजेंसियों को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी जांच एजेंसी से डरते नहीं हैं। अगर किसी को हमसे कुछ भी पूछना है तो वो पटना में आकर पूछे। राबड़ी देवी का कहना है कि सीबीआई आईटी ईडी को जितने नोटिस भेजने हैं वो भेज सकती है। बिहार भाजपा अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो मोदी की तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ काट के दिखाएं। अगर भाजपा के लोग ऐसा कर सकते हैं तो बहुत से लोग नरेंद्र मोदी का हाथ और गला भी काट सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले बजट में रेलवे को अधिक धन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी संपत्तियों के बदलाव पर भी जोर देगी। गोयल ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक से संवाददाताओं से कहा कि इससे पहले मैंने सुझाव दिया था कि आने वाले दिनों में रेलवे को ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, जितना उसे पिछले 3 बजट में दिया गया। मंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में रेलवे में संप्रंग 2 यानी मनमोहन सरकार की तुलना में दोगुना धन आवंटित किया गया, और इस साल हमने करीब 1.31 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। रेलवे को सुरक्षा और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारी धन राशि दी गई है। बिहार की राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह लोग मेरे नाम को उठाकर राजनीति करते हैं। लालू ने जदयू प्रवक्ताओं पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति में बने रहने के लिए यह लोग मुझे और मेरे बेटे तेजस्वी को गाली देते हैं। इनका चैप्टर अब खत्म है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा से डर गए हैं, वो उनकी शरण में जाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। पार्टी ने 40 चुनाव प्रचारकों की सूची जारी की, जिनमें ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर शामिल हैं। ठाकुर हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं। पंजाब के मंत्री और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर, अभिनेत्री से नेता बनी नगमा मोराजी आदि अन्य हस्तियां भी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। निवेशकों की रकम को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाने और फ्लैट का समय पर आवंटन न करने के मामले में फंसे जेपी एसोसिएट्स के निदेशकों के संपत्ति बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने जेपी एसोसिएट की ओर से जमा कराई गई 275 करोड़ रुपए की रकम को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच ने सभी 13 निवेशकों की निजी संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अदालत के आदेश के बिना ये लोग अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। यही नहीं, निदेशकों के पारिवारिक सदस्य भी अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेंगे। गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए प्रद्युमन मर्डर केस के आरोपी 11वीं कक्षा के नाबालिग छात्र की हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब वो 6 दिसंबर तक जुवेनाइल कस्टडी में रहेगा। सीबीआई ने इसके फिंगरप्रिंट के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दिया है। इस पर 29 नवंबर को आरोपी के वकील जवाब दाखिल करेंगे। सीबीआई ने प्रद्युमन मर्डर केस में आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है। सीबीआई का आरोप है कि छात्र ने अपने जूनियर की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो उस दिन टीचर पेरेंट्स मीटिंग और यूनिट परीक्षा को स्थगित कराना चाहता था। वो पढ़ाई में कमजोर है, इसलिए पढ़ाई से बचने के लिए हत्याकांड को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में फिल्म पद्मावती के बैन की घोषणा के बाद अब राज्य सरकार रानी पद्मावती के नाम पर अवार्ड देने जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भोपाल गैंगरेप पीड़िता को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय माता पद्मावती पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि गैंगरेप पीड़िता बहुत ही बहादुर लड़की है, जिस हिम्मत के साथ उसने हालात का सामना किया वो प्रशंसनीय है। उन्होंने बताया कि इस मसले पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेना है। फिल्म पद्मावती के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को संसद की पिटीशन कमेटी ने समन जारी किया है। उन्हें 30 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने 20 नवंबर को पिटीशन कमेटी में अपील की थी कि फिल्म पद्मावती में इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके बाद दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए पिटीशन कमेटी ने भंसाली को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केरल की उस महिला के पिता की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह करने से पहले इस्लाम कबूल किया था। याचिका में कहा गया है कि महिला से बातचीत बंद कमरे में की जाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि वो 27 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेगी। जब बातचीत के लिए महिला को उसके समक्ष पेश किया जाएगा, महिला के पिता अशोकन केएम के वकील ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखी है और धुंध और प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौता करने के लिए आमंत्रित किया है। मीडिया रिपोर्टों में इस बात की जानकारी हुई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक 19 नवंबर को लिखे पत्र में शहबाज ने कहा कि पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब दोनों तरफ के लोगों को अक्टूबर और नवंबर के दौरान धुंध की समस्या का सामना करना पड़ा है। उन्होंने आगे लिखा कि धुंध का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है, इससे बच्चे और वृद्ध सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नवंबर महीना आतंकियों के लिए बहुत भारी साबित हुआ है। इस महीने के पहले 21 दिनों में ही सुरक्षा बलों ने 21 आतंकियों को खत्म कर डाला है। अगर अनुपात देखा जाए तो एक दिन में एक आतंकी का अनुपात बनता है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अधिक संख्या में आतंकी मारे गए हैं। कश्मीर में काम कर चुके पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनानी ने सुझाव दिया है कि सर्दियों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहनी चाहिए क्योंकि उग्रवादी सर्दियों में आजाद नहीं घूम सकते हैं।